जय हिंद एवरीवन, होपफुली द स्टडीज आर गोइंग वेल। आज हम कर रहे हैं आफ्टर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन 6 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है 60% ऑफ द क्रॉस प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट। देखो आप सबसे पहले दो तीन चीजें समझ लो। सबसे पहले ये समझो कि आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है। जिन बच्चों को बेसिक से समझना है उनके लिए ये देखो। सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने का आपका आर्टिकल एक्चुअली में है। सेलिंग प्राइस होता है जितने का आपने बेचा, एज अ शॉपकीपर आपने जितने का बेचा उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट क्या होता है आपका, प्रॉफिट होता है जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है ज्यादा रहता है, जब आपने बेचा ज्यादा में और थी उसकी कीमत कम, तब मिलता है आपको क्या प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना निकालते हैं आप, सिंपली क्या करोगे सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो कॉस्ट प्राइस, तो मिल जाता है क्या आपको प्रॉफिट। समझ में आया। अब सेम चीज में लॉस कब होता है ये समझो। देखो जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस आपका कम रहता है किससे, आपके कॉस्ट प्राइस से, मतलब जितने का आपका आर्टिकल था ना बट आपने उसको बेचा थोड़े से उससे कम में या कितने भी कम में, ठीक है, तब क्या होगा आपको घाटा लगेगा, तो उस घाटे को बोल देते हैं आप लॉस। और इसको कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, जो इन दोनों में से बड़ा हो उसको आगे लिख दो और जो इनसे छोटा हो उसको पीछे लिख दो, मतलब इन शॉर्ट क्या निकालते हो आप इसका डिफरेंस, ठीक है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा बड़ा है तो आपको क्या होगा लॉस होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा बड़ा है तो क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात, नो बकवास, ओके। अब देखो आपको प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है आपका जितना आपका प्रॉफिट हुआ, अब कितने में से हुआ, कॉस्ट प्राइस से हुआ, और इनटू 100। समझ में आया। हमेशा इसके बेस पे क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब हमेशा हम किससे निकालते हैं, जितने का आपका आर्टिकल था उस हिसाब से आपका जितना प्रॉफिट हुआ उस हिसाब से हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस परसेंट कैसे निकालते हो आप, लॉस जितना हुआ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, मतलब यहाँ भी बेस पे क्या रहता है आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने का आपका आर्टिकल था उसी से हमेशा कंपेयर करके हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं। होपफुली ये समझ में आया। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट क्या लिख देते हो, जब आपको प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख देते हो, और लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिख देते हो। इतना ही चीज है, इसी में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो आपसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पहले हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस थी कुछ और कुछ सेलिंग प्राइस थी और कुछ प्रॉफिट था और सपोज हम लॉस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, एक्स थी, सेलिंग प्राइस हमारी वाई थी, तो प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या होता है सेलिंग प्राइस बड़ी रहती है और कॉस्ट प्राइस छोटा रहता है, तो प्रॉफिट क्या होता है y माइनस x होता है। अगर आपका लॉस हो गया मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ी है और सेलिंग प्राइस छोटा है उससे, तब आप कैसे निकालते हो x माइनस y निकाल देते हो। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब अगर आप 60% लेते हो किसका, 60% लेते हो अगर आप कॉस्ट प्राइस का, वो किसके बराबर होता है आपका, 50% होता है वो आपके सेलिंग प्राइस के बराबर। अब देखो 60% किसका निकालना है हमें, एक्स का, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया है, एक्स। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है आपको समझने के लिए। वो किसके बराबर है आपका, 50% ऑफ वाई के बराबर है, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बस सॉल्व कर देना है और लास्ट में आपको आंसर निकालना है। कैसे करोगे देखो, देखो 60% को क्या बोल सकते हो आप, अगर आप यहाँ पे देखो 60% को क्या बोल सकते हो आप, 3 × 20% बोल सकते हो, और 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। सॉल्व करके देख लो, 20 / 100 1/5 आता है, तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 3/5 हो जाएगा। समझ में आया, 60% को क्या लिख सकते हो, 3/5 लिख सकते हो। इसी तरीके से 50% को सबको पता है 50% क्या होता है, 1/2 होता है, तो क्यों ना हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें इजी करने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3/5 टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ वाई। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम सेग्रीगेट कर लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपकी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये 2 ऊपर चला गया, तो 3 × 2 / 5x, ये आपकी y की वैल्यू आ गई 6/5x। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6/5x। इतना समझ में आया। तो देखिए ये आपकी मेन वैल्यू थी जो आपको निकालनी थी, ठीक
ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, प्रॉफिट कितना हुआ है ये बता दो, प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट मैंने क्या सिखाया आपको, प्रॉफिट परसेंट होता है आपका सिंपली प्रॉफिट जो हुआ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट क्या होता है आपका, आपको ये पता है प्रॉफिट क्या होता है आपका, y माइनस एक्स, और कॉस्ट प्राइस कितना होता है आपका, सिंपली x होता है, तो यहाँ x लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है जब आप ये पूरी वैल्यू अगर x में लेके आ जाओगे, इस y को भी x में कन्वर्ट कर लोगे, तो क्या होगा, ये x x ऊपर नीचे से कट जाएगा और बस नंबर बचेगा आपका। तो देखो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, क्यों ना इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो कर दिया हमने। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी आपकी, 6x डिवाइड बाय 5, अब माइनस एक्स था ही तो माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। ओके, अब सब जगह x से तो हटा देते हैं, तो आपकी इक्वेशन कैसी बन गई, यहाँ पे देखो अगर, तो ये क्या हो गई, 6 माइनस 1, 6 बाय 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 हो गई। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 बाय 5। अब देखो 1 बाय 5 काय में आएगी आपकी, फ्रैक्शन में आएगी, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे, तो 1 बाय 5 इंटू 100 किया तो कितना आ गया आपका, 20% आ गया। समझ में आया आपने कितने जल्दी सॉल्व किया इसे, आपके लिए और क्लियरली देखो तो 3 बाय 5 ऑफ सी मान लेते हैं हम, और इजी हो रहा है, ये किसके बराबर है आपका, 1 बाय 2 ऑफ एस के बराबर है। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एस की वैल्यू आ गई आपकी 6 बाय 5 ऑफ सी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट सिंपली होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, 6 बाय 5 टाइम्स ऑफ सी माइनस सी डिवाइड बाय सी। सॉल्व करो, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6c माइनस 5c डिवाइड बाय सी, सी 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 सबसे कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 रहेगा, 1 बाय 5। और परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज जब भी निकालते हो तो इंटू 100 दोनों साइड करोगे, तो ये पी का में कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज में, तो ये क्या हो जाता है आपका, इंटू 100, तो 20% बन जाता है। समझ में आया।